वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड राइट डाउन। यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड लर्न इट वेरी वेल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट डिड द मैन एट द पार्क टेल द अदर? ऑथर को जो मैन वहाँ पर था पार्क में, उसने क्या कहा कि आप इस रेवन को ले जाओ घर पे, क्योंकि इसका कोई घर नहीं है। तो आंसर इज द मैन एट द पार्क टोल्ड द ऑथर दैट रेवन वॉज एन ऑर्फन, जिसका कोई घर नहीं है। ही आस्ड इफ शी वुड टेक द बर्ड होम, वो बोलता है कि आप इसे घर लेकर जाओ। वाई डिड द ऑथर ब्रिंग द रेवन होम? जो ऑथर है वो घर क्यों लेके आई थी रेवन को? बिकॉज उसको लग रहा था कि मैं एक ओनली रीज़न हूँ कि मैं इसे अगर घर लेकर नहीं गई तो ये जी नहीं पाएगा। बिकॉज शी रियलाइज दैट इट माइट बी द ओनली चांस फॉर द रेवन टू सर्वाइव। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील अबाउट चार्ली? वॉट डिड दे डू फॉर हिम? द चिल्ड्रन ऑफ नेबरहुड लव्ड चार्ली, दे डग अप द वॉर्म्स फ्रॉम हिम एंड फीड हिम। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो चिल्ड्रन थे वो सब नेबर पास पड़ोस के, वो उनको क्या था, बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते थे और उसके लिए खोद खोद कर वॉर्म्स लेके आते थे, क्योंकि चार्ली लव्ड टू ईट अ सॉलिड वॉर्म्स, निगलना पसंद था उसको। वॉट गेम डिड चार्ली एंड जैकी ऑफन प्ले? चार्ली और जैकी क्या कौन सा गेम खेलते थे? व्हेन जैकी रैन एट हिम, जैसे ही जैकी उसके पास आता था तो ही वुड फ्लाई अवे एंड सिट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री लाफिंग लाउडली। वो क्या करता था कि ट्री की ब्रांच पे जाकर बैठ जाता था और हंसने लग जाता था। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ली एंड जैकी? हम चार्ली और जैकी का रिलेशनशिप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, बट सिर्फ आपको इतना ही क्वेश्चन लिखना है और उसी का आंसर बताएंगे हम कि जैकी एंड चार्ली हैड लविंग एंड प्लेफुल रिलेशनशिप। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह भी खेलते थे। बस आपको इतना ही लिखना है, यही क्वेश्चन आंसर्स आपको एज इट इज़ कॉपी में लिखना है। यू डोंट नीड टू कॉपी विथ एग्जैक्ट कॉपी विथ योर बुक, आपको सिर्फ यही पार्ट करना है। बिकॉज अगर हम वो भी पार्ट करेंगे तो द आंसर इज रियली वेरी वेरी लेंदी। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसलिए ईजी लैंग्वेज में लिखवाए हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड लर्न इट वेरी वेल। ओके, बाय।